बैठिए प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना जी क्या बात लग रही है आज? हाँ लेकिन आज आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स आने वाला है। क्यों? एक है बात। अच्छा हाँ। बता। सो दोस्तों आज हमारे बीच जो मेहमान आ रहे हैं वो एक बड़ी ही प्यारी जोड़ी है, माँ बेटी की जोड़ी है। वाह। तो चलिए इन्हें एक एक करके इनवाइट करते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन्हें जो अपने दौर की सुपरस्टार रही हैं और हम सबकी चहेती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनको लेके आना चाहता हूं। प्लीज तालियां बजती रहे। यो नीतू, जोरदार तालियां नीतू जी के लिए। मैं अपनी सहेली को मिलने यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। जोरदार तालियां हो जाए हम सबकी फेवरेट ब्यूटीफुल नीतू जी के लिए। नीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। कितना बदल गया ना फ्रॉम व्हेन आई केम लास्ट टू नाउ। हाँ मैम अभी सेट भी नया है। पहले सत श्री अकाल से हाय अर्चना। अच्छा वो तो निकल गई है। वो तो इन्होंने डकार भी नहीं लिया। अभी बस यही है क्या करें? Some changes are very good. Exactly. Very good. Exactly. This change is excellent. Absolutely. पर आप है ना ये ब्रेक मत लिया करो। हाँ। Because we need to laugh. आजकल इतना sadness हो रही है, ये COVID हो रहा है, तो please don't take a break. Of course, ma'am. Thank you. और continue करो। आपका भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं आपने बच्चे पैदा किए? एक के बाद एक। Good कुछ question. आराम नहीं देना नहीं वाइफ को। वो एक्चुअली क्या हुआ मेरी जब डॉटर हुई ना तब कोरोना की पहली लहर आई थी। हाँ तो फिर मेरे घर में बेबी गर्ल हुई। उसके बाद दूसरी लहर जब आई ना तो मेरा बेटा हुआ। तो बीच में अफवाह आ रही थी कि तीसरी लहर भी आ सकती। मेरी बीवी मेरे को देखी। अबे कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं भगवान ना करे कभी ऐसी कोई तीसरी लहर आए। बच्चे तो भगवान की देन है। मतलब जो भी है पर आप बहुत प्यारी लग रही नीतू जी। थैंक यू। जब भी आपको देखता हूँ हमेशा ही और ज्यादा फिट लगती हैं। वाओ थैंक यू। अभी तेरी फ्लर्टिंग की कोई हद है? नीतू के साथ फ्लर्ट कर रहा है? शी इज जेलस वुमन। यही बात अगर मैंने इनको बोली होती ना कि आप बड़ी प्यारी लग रही हैं तो जाके पति को पीट देती कि आज के बाद मुझे बीवी नहीं बेबी बुलाया करो। अच्छा मैं थोड़ी सी दूसरों की तारीफ कर दूं बड़ा ही जलती है। क्या करें तू तेरे से प्यार है मुझे इश्क है तेरे। लव यू अर्चना मैम। नीतू जी आप इतनी फिट हैं। थैंक यू। हमेशा और मैंने देखा है जो कपूर फैमिली में हमने ऐसा सुना है कि आपके वहां डाइनिंग टेबल हमेशा सजा ही रहता है तो आप इतनी फिट कैसे हैं फिर नीतू जी? वो देख देख के ना मेरे को कुछ हो गया। इतना खाना देख देख के सब खाते ही रहते हैं। तो आप कंट्रोल कैसे करती हैं? बट वो नफरत हो जाती है फिर खाने से बिकॉज इतना खाना खाते हैं ये लोग। सुबह उठ के बोलते हैं लंच क्या खाए, लंच में बोलते हैं डिनर क्या खाए, बस खाने ही खाना चलता है। सो आई गॉट पुट ऑफ विथ फूड यू नो। एंड ऑल्सो ऋषि जी बहुत थोड़े जी थे मोटे सो वो हीरो थे। अभी हीरो को हीरो लगना चाहिए। राइट। सो आई यूज्ड टू टेल हिम कि ये डाइट करो वो डाइट करो तो खुद करती थी फिर उनको बताती थी। तो करते करते मैं खुद भी थोड़ा। तो ऋषि सर फॉलो करते थे? फॉलो करते थे मतलब मेरे को खुश करने के लिए। अच्छा। मैं बात ही करती थी 6-6 महीने। अच्छा। कि पहले आप पतले हो फिर मैं बात करूंगी। अच्छा। Then he used to get fed up. अच्छा अच्छा बोल क्या करना अच्छा बता बता क्या करना है। Then he would do and then go back to eating. Wow. So cute. वैसे भी ना नीतू मैम का इनकी बेटी रिद्धिमा के साथ ना वो चलता रहता है चैलेंज। मैंने उस दिन सोशल मीडिया पे देख रहा था वो इनको चैलेंज कर रही थी मम्मी मेरा फिटनेस लेवल ये हो गया और ये आगे उनको लिख रही थी 1 वीक रुक जा वापस मैं भी आऊंगी। क्या बात है ये मजेदार चीज है। We inspire each other. बिल्कुल मैम अपने बच्चों से चैलेंज लेके वापस ये भी लग जाती है। नहीं तो किस चीज की कमी है भगवान ने दी है अपनी जगह किसी और आदमी को भी रख सकती है दौड़ने के लिए। जैसे अर्चना जी ने रखा हुआ है अपने हस्बैंड को ही रखा हुआ है इन्होंने। जब देखो पति को लड़ाती रहती हैं। इनके बच्चे ने एक बार चैलेंज दे दिया उनको घर से निकाल दिया। वो यूएसए में रहता है। What nonsense. और नहीं तो क्या बच्चे चैलेंज दे के तो देखें। ये आप अभी ज्यादा बोल रहे हो। आई डोंट बिलीव इट। अभी आपको चलते शो में जब दिखेगा ना कि ये हाथ डाल के ऑडियंस के चने खा रही है ये इनसे कंट्रोल नहीं होता। इनके टेबल के आगे जो पड़ा रहता है वो तो खाएंगी खाएंगी। मेरी मम्मी आगे बैठी रहती है बेचारी चने खा रही थी लंबा हाथ करके उनके चने भी निकाल लेती है। मम्मी आज बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। सत श्री अकाल जी। वाह मम्मी आज आप आई ना तो मम्मी ने स्पेशल सूट निकाला है पता नहीं कहां से मैंने कभी देखा नहीं। वेयर इज गिनी?
वो मेरे साथ रहने से डरती है. तीसरी लहर बताया ना मैंने आपको. तीसरी लहर इज ऑन द वे. नो 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 नो, डोंट ऑन द वे राइट. अब तो मैं ही. लेट हर रेस्ट नाउ. अरे मुझे खुद नहीं रेस्ट मिलती. रात को 4 बजे बच्चे कभी भी उठ के रोने लगते हैं. मैंने यार क्यों रो रहे हो, दुनिया को हम हंसा रहे हैं तो हमारा इंप्रेशन खराब होएगा. हमारे बच्चे उठ के रोते रात को. नीतू जी जैसे बहुत बार होता है हमारे यहाँ पे जो हीरोइंस आती ना तो उनको जो डिजाइनर है ना अपने आउटफिट देते हैं, बोलते हैं आप जाके शो में पहनो और हमारे बारे में कुछ ट्वीट कर देना. हाँ. तो वो ड्रेस वापस भी ले लेते हैं फिर डिजाइनर. आपके साथ कभी ऐसा होता है? हुआ है ना. अच्छा. कितनी बार हुआ है? अभी मैं बोलना नहीं चाहती कहाँ हुआ है. अच्छा. बट हुआ है. हमेशा होता है. दैट्स द ट्रेंड. जैसे हमारी अर्चना जी ना किसी डिजाइनर से कपड़े लेती है. हाँ. बोले तुम मुझे ड्रेस दो मैं तुम्हारे बारे में ट्वीट कर दूंगी. और उसके बाद जब वो वापस लेने आता है. हाँ. फिर ये वापस मूंछ लगा के बैठ जाती है कि मैं तो परमीत हूँ, चल भाग यहाँ से. फिर ऐसे ही. हे भगवान कहाँ से लाता है ये सब. मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ड्रेस वापस क्यों नहीं करती? कहती अगर 5 मिनट हाथापाई करने से ड्रेस आपकी हो सकती है तो उसमें क्या बुराई है. नीतू जी तो यहाँ पर है ही. अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इनकी सुपुत्री को. जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइनर रिद्धिमा कपूर साहनी. दो लोग आए हमारे चहेते और वो हमारा शो देखते हैं, हमारा सौभाग्य. धन्यवाद. पूरी दुनिया देखी है. थैंक यू मैम. अच्छा ये पहली बार हुआ है. नीतू मैम तो हमारे शो पे पहले भी एक बार आ चुकी है. रिद्धिमा टीवी में कभी गई नहीं कभी आज तक, ना कभी फिल्मों में, पहली बार आई. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज डेब्यू है. अच्छा ये देखो आप माँ बेटी दोनों मंच पे खड़ी हैं, पता नहीं चलता है कि माँ बेटी हैं कि फ्रेंड्स हैं. सेम अर्चना जी ने भी मतलब इतना मेंटेन किया हुआ ना. घूम फिर के वहीं आना है. ये और परमीत सर खड़े हो ना, पता नहीं चलता हस्बैंड कौन है. मैंने अभी पीछे कुछ हमारे प्रोडक्शन वाली लड़की है उनको मैंने भेजा. हाँ. मैंने कहा जाके देखो नीतू मैम आ गई कि नहीं. तो वो नीतू मैम और रिद्धिमा बैठी हुई थी. बोल गई नहीं रिद्धिमा तो अपनी फ्रेंड के साथ आई है, नीतू मैम अभी पहुंचने वाले हैं. मैंने कहा वही है. जोरदार ताली एक बार. रिद्धिमा आप इतनी अच्छी डिजाइनर है और आपने खुद इतनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है. कसम से हरी मिर्च लग रही है आप. स्पाइसी. मेरे ड्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका ड्रेस तो फर्स्ट क्लास है लेकिन बंदा भी तो फिट होना चाहिए. आते ही इन्होंने साबित कर दिया ना एक कपूर फैमिली से, ऋषि सर की बेटी धड़ाक से पंच मार दिया. आइए बहुत बहुत धन्यवाद. आइए रिद्धिमा जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं नॉर्मली होता है ना जैसे भिंडी कैसे लगाई 35 रुपए तो 25 लगा लो 50 की 2 किलो ले लेंगे ऐसा हम बोलते हैं हमारी आदत है. तो आप तो ज्वेलरी डिजाइन करती हैं तो पेमेंट भी ज्यादा होता है उसमें तो ऑब्वियसली तो वहां पे भी क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि नेकलेस 1 करोड़ का लगा लो 2 ले लेंगे. नहीं कहते हम एक्स्ट्रा डब्बा ले जाए घर पे फ्री में. रिद्धिमा मैं एक बात बताइए आप इतनी खूबसूरत है आपका नहीं कभी मन किया हीरोइन बनने का? कपिल फैमिली में इतने सुपरस्टार्स हैं और कितने चाहिए आपको? एक्चुअली जिनके घर में कोई ना हुई ऐसा एक्टर उक्टर हो तो वो सोचेंगे कि मैं बड़ा हीरो बनूं. जिनके आस पास बाहर निकलते किचन से कंधा लग रहा है इधर सुपरस्टार उधर सुपरस्टार तो फिर अलग भी आदमी को सोचना चाहिए. नीतू मैम आपके दोनों बच्चों में से रिद्धिमा और रणबीर में से हाँ जी आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है. वो मैंने देख लिया. मतलब पूरा जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं उनके फुल रूप है. मतलब कि यू नो लाइक कपूर का ना एक फेक एरोगेंस है. कपूर एरोगेंस है. रुबाब मारते हैं मतलब कि अंदर से लल्लू है ऊपर से रुबाब.
soft. रणबीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है. She means soft है अंदर से, मतलब अच्छे हैं. लल्लू soft same चीज बच्चों के लिए. मैंने देखा ऋषि सर तो इतने ब्लंट थे, मतलब कभी कभी तो डांट भी देते थे वो. आपको पता नहीं है, मैं आपको स्टेज के पीछे का किस्सा बताता हूँ. आपको मैंने शायद बताया था. हुआ क्या, ऋषि सर आने वाले थे, खुल्लम खुल्ला जो उनकी बुक आई थी उसके प्रमोशन के लिए. हम सब डर रहे थे ऋषि सर को बोलने के लिए कि नीतू मैम भी साथ ला सकते हो आप. तो हमारी एक प्रोडक्शन की लड़की ने फोन भी किया कि ऐसे नीतू जी को बुलाना, तो उनको फोन करो, मेरे को क्यों कर रहे हो. तो वो डर गई, लेकिन ओके. फिर वो बोले कि आप नीतू जी को फोन करो. मैंने नीतू मैम को फोन किया, और मैं भी क्योंकि अगले दिन शूट था, मेरे भी मुंह से अजीब सी बात निकल गई. रात को 10 बजे मैंने फोन किया, मैं कहा मैम ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है. कहती रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही होंगे तो कहाँ होंगे. I remember that. मुझे एक और किस्सा याद आया मैम. हम लोग ऋषि सर जब पहली बार हमारे शो पे आए, हम दूसरे चैनल पे थे और फिल्म आने वाली थी, आप भी थे उस फिल्म में, दो दुनी चाल की शायद बात है. तो मैंने ऋषि सर से, मैंने राज कपूर साहब का जिक्र छेड़ लिया. मैंने कहा सर ऋषि सर ऐसा सुना है कि राज कपूर साहब अपने म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर को लेके लोनावला चले जाते थे म्यूजिक, तो बीच में एक वो लड़की पीआर वाली. नो नो पर्सनल क्वेश्चन, ओनली फिल्म. ऋषि सर कहते यू सिट डाउन, यू आस्क प्लीज व्हाटएवर यू वांट टू. तो वो इतना, फिर मैं खुल गया. तो मुझे समझ आ गया कि ऋषि सर ऊपर ऊपर से ऐसे हैं, नारियल हैं, तो अंदर से बड़े प्यारे हैं. नहीं पर सब में ही ऐसा है, द होल फैमिली ऐसे, सब ऐसे हैं, पर अंदर से सब बहुत अच्छे दिल के, नरम दिल के कलाकार तो है ना सारे. तो और रणबीर पूरा मेरा, मेरे पे है, लाइक वेरी सॉफ्ट हार्टेड, कभी गुस्सा नहीं आता उसको, यू नो, इज लाइक दैट. ठंडे स्वभाव का है ये, गर्म नहीं है बट थोड़ी सी है. क्या हो रहा है जब ये आते हैं मेरे को टेंशन हो जाती है. क्यों? मैं अपने सर्वेंट्स को पूछती हूँ ये लायो वो लायो ये, क्योंकि आते सार पूछेगी वो है नहीं है, क्यों, यू नो, ये डरा देती है. इसे पूछते वापस कब जा रहे हो, हाउ मेनी डेज. जब इसकी शादी हुई थी तो मैं इतना रोई, मैं पूरा एक साल, आई वॉज सो अपसेट, आई वॉज सो डिप्रेस्ड. अभी जब आती हूँ बोलती कब जा रही है तू. अब मैं इसको धक्के मार मार के दिल्ली भेज दूँ, वो तेरा घर है, तेरा हस्बैंड है, तेरे बच्चे हैं, तू दिल्ली जा, यहाँ नहीं रहना. बट आई हैव टू टेल यू दिस, जब ऋषि सर का हुआ देहांत हुआ, सो मेरे फर्स्ट 6-7 months आई वॉज रियली रियली बैड, आई वॉज रियली वेरी वेरी डाउन. बट ये मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया है, आई मीन दे वर आउटस्टैंडिंग. ओह स्वीट. छोड़ा नहीं, एंड दे वर लाइक विद मी. रोज आ जाते थे, रोज कुछ ना कुछ करते थे कि यू नो दिल बहलता रहे. बट दे वर आउटस्टैंडिंग, रणबीर, रिद्धिमा, बाकी के मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे वेरी नाइस. बट लाइफ गोज ऑन एक्चुअली, सो आई डोंट लाइक बीइंग सैड फॉर टू लॉन्ग, आई लाइक टू मूव ऑन. आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं. बट वी आर मिसिंग ऋषि सर सो मच. मैं भी लॉकडाउन में, रिद्धिमा भी आपके साथ थी, रणबीर भी साथ थे. परेशान कौन करता था दोनों में से ज्यादा? मैं, आई थिंक, आई डोंट नो. मैं परेशान तो रणबीर नहीं करता है. नहीं, रणबीर भी परेशान नहीं करती है, बट शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, दैट्स ओनली थिंग. या But she has been an amazing daughter. Personality is no, see. इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, caring होती हैं. Exactly. मेरी बेटी भी अभी 1.5 year की है. उसको पता था मैंने शूट पे जाना, सुबह 4 बजे उठकर रोने लग पड़ी. यार होता है कभी, बड़ी होके समझ जाएगी. पापा का सुबह सुबह शूट होता है. सुबह सुबह ऐसे कम ही करते हैं हम. हाँ हाँ. पर आज आप आ रहे थे, हमने कहा तो 5 बजे उठ के योगा भी कर लिया. हम फटाफट भाग के आए. एक्चुअली हम योगा गाड़ी में कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे. हाँ, हम दोनों. रिद्धिमा मेरे को ये बताओ, मेरा मुंह जो है ना, ये जैसे शाम तक आते आते 7 बजे तक मेरा नीचे वाला एक फर्स्ट फ्लोर निकल आता है. नहीं, मैं मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है. ऐसा क्यों होता है, मेरा मुंह ब्लोटिंग हो जाती. इट डजंट मैटर, फिर भी अच्छे लगते हो, फिर भी क्यूट लगते हो. गिनी, आर यू वॉचिंग? आगे से मुझे नहीं बोलना कि तुम्हारी डबल चिन दिख रही है. शो आ रहा ना शनिवार, खुश रहो. दीदी, जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है मैम, है ना, लड़ाई बचपन में. ओह माय, मैं तो पटकती थी रणबीर को. किस वजह से? हम लोग WWF दैट टाइम के बहुत बड़े फैन होते थे. तो जैसे मम्मी और पापा बाहर निकलते थे, मैं उस पे जंप करती थी. और मैं थोड़ी हेवी थी, वो पिदली सा सूखा सा था, तो मैं उस पे जंप करती थी, उसको पटकती थी, उसको मारती थी. तो वी थॉट हम लोग रेसलर्स थे, यू नो, वो टाइम में. पर वाकई बचपन में अब बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है, जैसे मैंने शोले फिल्म देखी तो मेरे को गब्बर सिंह बड़ा पसंद आया. तो मैं स्टूडियो गया, 10 रुपए खर्च करके मैंने बंदूक लेके फोटो खिंचवाई.
और मैं तो खड़े खड़ा हूँ ऐसे करके, मेरी बहन भी खड़ी है। आई रिमेम्बर जब ये छोटे छोटे थे, बहुत लड़ाई करते थे, तो उनको समझ नहीं आती थी कि क्या करें, मतलब हर्ट कैसे करें। तो ये रिद्धिमा बोलती थी तू बिल्डिंग खा जा, रणबीर बोलता तू ट्रक खा जा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते थे कि तू ये खा जा फिर वो खा जा, फिर सब कुछ खा लिया, अभी इनको समझ नहीं आती क्या बोले, तो तू स्विमिंग पूल पी जा। तब मैं बोलती थी आप लोग क्या ये झगड़ा है। सो रणबीर का भी नो, बिकॉज आई डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, मैंने आज तक नहीं किया, मैंने कभी सिली या स्टूपिड भी नहीं बोला होगा। अच्छा। तो उन्होंने कभी सुना नहीं था कि गाली क्या होती है, सो उनको लगता था कि गाली इज नॉट नाइस। सो रणबीर को एक बार बहुत गुस्सा आया, ही सेड यू कस्टर्ड। आई सेड हाँ, आई सेड रणबीर कस्टर्ड क्या होता है, मॉम दैट्स विद अ बी। उसको बी बोलना था, बोला नहीं, यू कस्टर्ड। वाह, देखा मम्मी, इन्होंने आज तक अपने बच्चों को डांटा। मैंने एक बार 5 रुपए गलती से मेरे से जल गए कहीं, हाँ, लोहड़ी वाले दिन, हाँ, मेरी सर्दियों में टी शर्ट उठा के मम्मी ने पंजा मारा। एक ही बार मेरी माँ ने मेरे को मारा है, हाँ, हाँ, बाकी डैडी मारते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने कभी मारा नहीं, पर डैडी मेरे ना एक्चुअली पुलिस में थे ना, हाँ, तो मुझे पहले 3-4 साल तो समझ में नहीं आया कि ये वर्दी वाला हमारे घर क्यों आता रोज। मेरे को समझ में आया जब मेरे पिताजी हैं, जब बड़े हुए थोड़े, तो वैसे डर लगता रहता था, बट लेकिन थोड़ा बहुत मारते तो सुधर जाता यार, पर फिर भी ऐसे सुधरा क्या, मैं लोन लेके देश छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या बिगड़ा हुआ मेरा। तो एक रिद्धिमा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। सो रिद्धिमा इज अ वेरी प्रॉपर गर्ल, यू नो, जैसे आप अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आप अगर खाना खा रहे हो तो मुंह बंद करके खाओ, राइट, और पापड़ खाओगे तो आवाज तो आएगी, राइट, खर्चा रखा जाए। इसको बड़ा गुस्सा है कि ओह माय गॉड सो डिस्गस्टिंग, ऐसे से करे हमको, तो मेरे को रणबीर को बहुत बुरा लगे, ऋषि जी तो डिडंट बॉदर, जो बोलती है बोलने दो। सो शी यूज्ड टू रोल हर आईज, अपनी प्लेट उठाए और जाके अलग जाके बैठ जाए कि आई कांट टेक दिस, रोल योर आईज, ऐसे करती थी। जिसकी बेटी हुई, अरे बच्चे को तो माँ बैठ के खाना खिलाएगी, और ये बच्चा थोड़ी छोटा सा है, वो करके खाना खा रही है। सो मैं और रन भी बड़े खुश, और हमने देखा अब बोल नाउ व्हाट, अभी रोल कर आके, पे बैक टाइम। वी यूज्ड टू गेट सो स्केट, हमारी पूरी लाइफ शी टॉर्चर्ड अस, पापड़ नहीं खाओ, वेफर नहीं खाओ, मुंह बंद करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो। वाह बाप रे, हम तो आपको डिनर पे कभी बुला ही नहीं सकते। जब आपको हमारी सारी फैमिली के मुंह खुले हुए देखेंगे, उफ, मुंह बंद करके खाना है। अच्छा, रिद्धिमा की शादी जो है दिल्ली के बिजनेसमैन भरत सहनी जिसे हुई है, साथ में लंदन में आप पढ़े भी हैं, फिर वापस आके इंडिया में शादी की और फिर इंडिया में सेटल भी हो गए, तो लंदन पढ़ाई करने गए थे कि यही सेटिंग करने गए थे आप? आप लंदन में मिली थी उनसे पहली बार? हाँ, पहली बार लंदन में मिली थी, लेकिन पढ़ाई कर रहे थे वो, सिर्फ अपने दोस्तों को मिलने आए थे उधर। अच्छा। और हाँ, हम तो सिर्फ बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे देन, फिर हाँ, थोड़े सालों के बाद फिर मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई उसके बाद, और ऐसे भी शादी हो गई। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिद्धिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपने गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी, ताकि हम आइडिया लगा सके? नहीं, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम, और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई, और एक टॉप पहना, मैंने बोला ये टॉप बहुत फैमिलियर है, मैंने देखा, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ, मुझे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो, पैसे नहीं मिलते थे ना बेचारे को, पॉकेट मनी उसकी बहुत, वो हम लोग राशन करते थे, आई हैव नेवर गिवन मनी टू माय चिल्ड्रन, कि जितना चाहिए उतना ही, नेवर स्पॉइल देम। ये एक्चुअली बात सीखने वाली है। हाँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो क्या करूं उनको? बिल्कुल नहीं स्पॉइल करना, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दो, फिर पैसे की वैल्यू नहीं रहती है, यू नो, बच्चों को। राइट। एक बार ना रिद्धिमा, आपको भी शायद वो इंसिडेंट पता होगा, तो किसी ने उनको लिख दिया ऐसे ही कि ऋषि जी
please tell Ranbir I love you. तो उन्होंने गुस्से में लिख दिया, I'm not his manager. तो आपकी friends भी तो बोलती होंगी कि रणबीर का नंबर दे दो, मिलवा दो, ऐसा होता है? Friends नहीं, बेटी ने कहा था. बेटी को election के लिए, मतलब you know she wanted to be, उनको captain बनना था school में. वो दे रणबीर का number leak करवा दूँ girls को, नीचे quotes मिल जाएंगे. I said no, ये मत करना कभी. मेरे को एक बात याद आती है, मैं रोज ऋषि जी का ट्वीट देखती थी एंड आई यूज़ गेट वेरी एंग्री विद हिम कि आज ये क्या किया है, व्हाट. सो दैट नाइट आई हैड नॉट सीन व्हाट ही ट्वीटेड एंड हम लोग ने शिफ्ट किया था मेरे दूसरे घर में, क्योंकि ये घर हमारा रेनोवेट हो रहा था. सो अपने स्टाफ को ले गई मैं अपने पुराने घर में, कृष्णा राज में. अच्छा. सो मैं जब ऊपर आई हूँ कपिल, देर वर 300 पीपल ऑन द रोड, देर वॉज अ पुलिस ट्रक एंड ऋषि कपूर हाय हाय एंड ऑल दैट. मैंने बोला क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, आई गॉट डैम स्केयर्ड. तो इंस्पेक्टर आया मेरे पास, मैडम ऋषि जी को बोलना ना वो ऐसा ट्वीट कर देते हैं ना. नहीं करने का. What had he tweeted? इतना मैं बोल भी नहीं सकती. मेरे को इतना गुस्सा आया तो मैंने बोला चलो मेरे साथ एंड टेल हिम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ही शुड नो, तभी बंद करेंगे. सो मैं वो इंस्पेक्टर को घर ले गई. तो जब घर गई तो मैं गई रूम में, टीवी देख रहे थे, आई सेड इंस्पेक्टर इज कम टू सी यू. सो वो आया, ऋषि जी आपने ये बोला, कट्स चाहिए सर. फिर भी नहीं डरे. फिर मैं 3 दिन के बाद नीचे गई हूँ तो वो पुलिस का कोई लड़का ऐसे बैठा हुआ, आई सर आप क्यों बैठे हो उधर. नहीं सर ने बोला आपकी लाइफ को खतरा है. कैन यू इमेजिन. बाप रे. सो आई सेड प्लीज डोंट डू इट. उसके बाद काफी ठंडे हो गए थे वो दिन के बाद. ही गॉट स्केयर्ड बिकॉज इट वॉज सो स्कैरी, यू नो. आप ही थे जिनके कंट्रोल में आ जाते थे वो. हाँ हाँ. आई वॉज लाइक अ हंटर वाली. कुछ चल रही थी क्या, ये क्या बना रखा आपने? शुरुआत में केस ही था, फिर वो कुछ में कब तब्दील हो गया मुझे पता नहीं चला. मुझे ना नीचे नीचे के एरिया में बड़ा बड़ा हल्का सा ठंडा महसूस हुआ, तब मैं समझ गया कि ये पजामा फट चुका है. और ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें मना नहीं किया, मैंने कहा यार मुझे मत मारो, मारने को तुम मुझे कल भी मार सकते हो. लेकिन क्या नीतू जी, रिद्धिमा जी मोहल्ले में रोज नहीं आती, लेकिन ये मारने वाले कहाँ सुनते हैं. आपने कहा वो तो सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. लेकिन वहां पे कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहता था. सारे के सारे मार ही जा रहे. फिर मैंने कहा आई गिव अप, आई सेड कंटिन्यू एंजॉय योरसेल्फ. ओह माय गॉड, सो एग्जॉस्टेड. अगर पता होता ना नीतू जी कि आप आने वाली हैं, मैं आज जाता ही नहीं केस लड़ने के लिए. डायरेक्ट मैं अच्छा सा कोट पहन के यहाँ पर आपके पास आ जाता. कोट क्या, ये तो पेटीकोट पहन के भी आ जाते कभी कभी. आप ना संपूर्ण मर्द जाति को पेटीकोट ही पहनाइए. मर्द जाति को खत्म कर दीजिए पृथ्वी से यार. यही आपका, कब तक ही सेम चीज करेंगे यार. डू समथिंग न्यू, थिंक द बॉक्स आउट द ऑफ बॉक्स इज व्हाट, थिंक इज द आउट ऑफ द बॉक्स इज द थिंग. यार थिंकिंग ऑफ द बॉक्स आउट इज द थिंकिंग. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होता है. जो भी होता है करो ना यार थिंकिंग. थिंकिंग ऑफ द बॉक्स होता है. हर चीज की आजकल होती है 2-3 वैरायटी होती है, करो तुमको जो. देखिए वकील साहब हमारे गेस्ट आए हैं, थोड़ा शराफत से बात कीजिए आप. गेस्ट आए, मैं गेस्ट से बात करूंगा? शराफत को मैं जानता ही नहीं, मैं उससे बात क्यों करूं. शराफत मैं जानता ही नहीं. मैं बता दूं मैम, आई एम ए वकील, नाम मेरा है आनंद कुमार. लेकिन आपका नाम तो दामोदर नहीं था? नहीं दामोदर था, लेकिन हुआ क्या, कल मैं एक क्लाइंट के पास था तो मैं केस लड़ रहा था. हाँ. उससे मैंने वादा कर दिया कि अगर मैं तेरा केस हार गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. आनंद और कोई तो गुड नेम. अच्छा.
जो मैं एक दिन से आनंद का जीवन जी रहा हूँ कर रहा है लेकिन आई एम अ वेरी बिग लॉयर काफी बड़ा लॉयर हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हर जगह लड़ता हूँ ये लड़ते रहते कि मुझे भी अंदर जाने दो मुझे भी अंदर जाने दो कोई जाने देता ना आपको एक बार और क्या एक बार और अगर आपने ऐसी छोटी तुच्छ बात की तो मैं आपके हनीमान का दावा कर दूंगा हनीमान किसका हनीमान का दावा हनीमान तो गुरदास मान का कर दूंगा हर भजन मान का कर दूंगा यार मान हानि होता है तो हाँ वही वाला दावा ठोकूंगा मैं आप पे यार जो भी होता है डोंट कंफ्यूज मी मैम हाँ जी आई हैव टू टेल यू आपकी नजर से एक चीज रह गई है इफ यू डोंट माइंड इट इज हियर एक आपकी टैक्स की लायबिलिटी है ये 1,00,000 रुपए का टैक्स है ये आपको भरना हो 1,00,000 रुपए का किस बात का टैक्स इट्स ब्यूटी टैक्स यू आर सो स्वीट सरकार की तरफ से इतना खूबसूरत होना अलाउड नहीं है खैर कोई बात नहीं मैं खुद का अपना भरने जाऊंगा तो मैं आपका भी भर दूंगा आप में भी ब्यूटी टैक्स लगा है नहीं नहीं मेरा तो बदसूरती का चालान कटा है ना वो वाला भरूंगा मैं आपका भी आए भी उसपे लेकिन बदपुरसी से याद आया रिद्धिमा जी यू आर अ फैशन डिजाइनर मैंने सुना ज्वेलरी फैशन तो आप ज्वेलरी हाँ. है तो yeah. मेरे ना स्टाइलिंग में लुक में अटायर में ऐसा कुछ आप रेवोल्यूशन सा ला सकती हैं मतलब ऐसा कुछ मेरा रेनोवेशन करें कि अगली बार जब नीतू जी मुझे देखें तो कहें आपका वकील साहब रेनोवेशन या आपका रीडेवलपमेंट होगा और उसके बाद दो आदमी निकलेंगे तो एक आप रख लेना यार मुझे एक ही चाहिए दो आदमी निकलेंगे यार क्या बातें करते हैं ये क्या बात हुई यार वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ आई रियली यार दिस फैमिली द कपूर खानदान ओ हो मतलब एक से एक इतने बड़े स्टार है इनके घर में आप सोचिए खाली कि कभी ऐसा फैमिली गैदरिंग होती है तो ये कमरे से एक स्टार बाहर आ रहा है ये कमरे से एक स्टार अंदर जा रहा है एक स्टार यहाँ खाना खा रहा है एक स्टार पीछे मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे स्टार्स हैं कि अगर आप अपने घर का CCTV फुटेज किसी चैनल को बेचो ना तो भी करोड़ों मिल जाएंगे He's amazing. All of them so handsome. So handsome. My God. कल मैंने रणबीर कपूर को देखा इतने handsome लग रहे थे मैंने प्रपोज कर दिया बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार आई एम मेल और मेल और मेल का क्या मेल anyway, मैं आपसे कह रहा था बिकॉज़ आई एम वकील ना तो मैं ये पेटेंट वगैरह भी कराता हूँ आप ना रणबीर कपूर को पेटेंट कर लीजिए उससे क्या होगा इससे क्या होगा जब रणबीर कपूर की शादी होगी तो उनकी बीवी कभी भी आपसे ज्यादा हक उनपे नहीं जता पाएगी ऐसे आइडिया मेरे दिमाग में भट से आ जाते हैं भट से नहीं झट से आते हैं झट से आए भट से आए आइडिया आने चाहिए बस ऐसा कोई इशू नहीं माँ की जगह माई रहती है ये बात भी ठीक है आपकी ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कोई भी आ जाए आई एग्री विद ठीक हो आई एग्री लाइए फिक्स फिक्स कर लीजिए मेरी बात सुनो आप वकील साहब आपकी टांगे अगर आपका कहना नहीं मानती इनको लेके क्यों आते हो आप अब ये कोई छाता है क्या मैं घर पे छोड़ के आ जाऊंगा मेरी टांगे हैं यार मेरे शरीर को ढोके लाई हैं तब छोड़ दिया ना आपको अब इनको बोला जाए अरे मेरे ड्राइवर थोड़ी है क्या बोलो टांगो गाड़ी निकालो ऐसा थोड़ी होता है कि शरीर को लेके घूमे वकील साहब मैं आपको सजेशन दूं आप सीरियसली आप जिम जाया करें आप आपको देखो साइड से भी पेट निकल रहा है तो इस साइड से हाईवे निकलना चाहिए पेट ही निकलेगा यार और क्या निकलेगा और ये मोटापा वोटापा कुछ नहीं होता मैम आई एम रियली टेलिंग यू आप देखें अगर ठीक से
तो मैं सिर्फ बाहर से ही मोटा हूँ. कल मैंने अपना एक्सरे कराया, आई एम अ स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड. कंकालू में एकदम. फालतू की बातें करा लो जितनी मर्जी. केस वेस जीता कभी आपने कोई? यार क्या सवाल पूछ दिया इन्होंने. अपना देखो, ये महीने में करीब 13, पिछले महीने के साथ नहीं, मासूर साहब का मिला के 18 हो जाता है, उसके पिछले कुल मिला के पिछले साल में 70 केस जीते हैं. नहीं मैं हारा हूँ. जीता पूछा आपने? जीते नहीं, जीता जीतने में एक वाला था, लेकिन उस दिन वो अपना जो गवाह है ना, वो अपना टेटनेस, वो आया नहीं. टेटनेस नहीं, विटनेस. अरे टाइम पे टीका ना लगाओ तो टेटनेस भी होता है. मैं सभी यहाँ पे लोगों को दरखास्त करूंगा कि प्लीज अपना टेटनेस का टीका जरूर लगवाएं. बट यू कैन सी कि हम यहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक की बातें नहीं करते हैं. पते की बातें, समझाने वाली बातें, जरूरी विशेष बातें, वो भी हम यहाँ पे करते हैं. तो वो शेर तो अपना सुना होगा कि दूर है बच्चे को हंसाया जाए, वो क्या शेर है? घर से मस्जिद है बहुत दूर, तो चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. तो आपने उस अमृतसर के बच्चे को क्यों रुलाया? हम उस बच्चे को 4 साल से हंसा रहे थे, आप आई फिर. आपके घर में, परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, लफड़ा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये वो पेटेंट वेटेंट कुछ कराना हो, उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है. आप फालतू में हाथ धो के मेरे गेस्ट के पीछे पड़े हो आप. सरकार ने कहा हर 10 मिनट में हाथ धो, मैं हाथ धो रहा हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है आपको. व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार? उनका कोई केस नहीं, आप क्यों पीछे पड़े हुए? कोई केस नहीं फाइल कराना उन्होंने. तो मेरा काम कैसे चलेगा यार? मेरी भी 3 जवान बेटियां हैं, मुझे उनकी भी चिंता होती है. तो फिर काम पे क्यों नहीं चले जाते आप? मैं काम पे चला जाऊंगा, चिंता कौन करेगा? मैम चिंता भी तो करनी होती है, इट्स अ जॉब इन इटसेल्फ. एनीवेज कोई बात नहीं, मैं आपको, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा आप जब भी आपको जरूरत पड़े. ये नंबर है, ये तो अकाउंट नंबर है. हाँ तो पैसे डाल दीजिए इसमें. किस खुशी में? नहीं नहीं देखिए, चैरिटी बिगिन एट होम, और एक अच्छा घर का रिश्ता सा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा, आपको मजा आएगा. ट्रस्ट मी, आपको मजा आएगा. चलिए अभी मुझे जरा निकलना पड़ेगा, जज के घर पे पार्टी है. श्योर श्योर. किस खुशी में? पता नहीं यार, वो दिन में कह रहा था ऑर्डर ऑर्डर, कुछ किया होगा ऑर्डर. देखते हैं हम जाके, आएंगे पिएंगे कुछ करेंगे. धन्यवाद. मैम हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जरूर देखें. दिखाई प्लीज. ये क्रिएटिविटी आप खुद करती है नहीं तो मैम घर पे? नहीं, ये हम लोग दिल्ली में थे. So I don't know who bought these muchis, Riddhima. That's so cute. Bharat yeah, Tashu did. For... Tashu कुछ ऐसे मस्त की थी हमारी पार्टी थी. उसने ये सब चीजें props. So हमने सबने मुच्छी लगाई थी. अच्छा. Next. Wow. मम्मी, ये देखो. नीतू मैम और रिद्धिमा दोनों हैं. हम भी कभी करेंगे साथ में योगा मम्मी? हैं कि साथ में समोसे खाते रहना हमने? मैं रिद्धिमा को चिढ़ाती हूँ ऐसे. रिद्धिमा, यू एंड टाइगर श्रॉफ आर ऑलवेज इन द एयर. आप लोग जमीन पे उतरते ही नहीं हो. तो उड़े रहते हैं. लवली बात है. नेक्स्ट. ओह, व्हाट अ पिक्चर. इसमें ऋषि जी ने कुछ 6-7 स्टॉकिंग्स पहनी थी बाल छुपाने के लिए. ही यूज्ड टू शेव हिज आर्म. पहले तो एसीज नहीं होते थे, सो इट वाज रियली हॉट. सो ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड. और ये गाना था, हम दोनों मिनी स्कर्ट पहन के. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. और भी है हमारे पास कुछ. रफू चक्कर. ओह वाओ, नाइस, वेरी नाइस. दिस इज फ्रॉम रफू चक्कर. या नेक्स्ट. ओह, दो कलियां. वाओ. पहले पहले मैं सोचता था, मैंने नीतू मैम ने इतनी जल्दी जल्दी फिल्में करके फटाफट क्विट भी कर दी. अब समझ में आया कब से कर रही थी काम, मतलब बचपन से, 5 साल की उम्र से. वाओ, दिस इज द डबल रोल.
do kalya. Yeah, but that's not do kalya. On the right is not do kalya. That is Paris. That's with Hema ji. Next. Oh, Laddu Singh. इसके बाल देखे short. Boycott. Because मैं इसके ना रोज सुबह उठके इसके चोटी बनाती थी सुबह 6 बजे उठके. अच्छा. जब स्कूल जाती थी. तो because ये बड़ी proper proper थी ना मैंने आपको बताया. तो let's call me perfectionist. तो मैं चोटी बनाऊँ very tight. फिर मैं थोड़ी loose करूँ very loose. Tight, loose, मेरी आँखें बंद हैं मेरे को गुस्सा आ रहा है. Tight, loose, मैं सीधा गई इसके बाल कटवा दी. I'm not getting up at 6 in the morning and tight, loose. Ponytail का story खत्म उसके बाद. और मेरी चोटी होती थी सदारनी चोटी, ना tight ऐसे उल्टी. हाँ, ऐसे वाली. वैसे चोटी करके भेजती थी. मेरी मम्मी भी करती थी ना मेरी बहन की, तो मेरी बहन की आँखें यहाँ से खिंच जाती थी. इतनी जोर से करती थी ना चोटी. Next. Oh, lovely. What a beautiful picture. Yeah. You still do all this, right? We do it all the time. What is the meaning of this? Horns. Horns. Ears. Okay. Next. Oh, this is now. Ranthambore. अरे ये लड़की तो फिल्मों में आती है, ये आपके घर भी आती है. कौन है देख? कौन है ये? Very familiar. पहचानी पहचानी से लग रही है ना नीतू? Very familiar. In Ranthambore. और भी है हमारे पास कुछ? Oh. यार ये बड़ी कमाल की पिक्चर है ये. रिद्धिमा गोदी में सो रही है मम्मी के. रणबीर हुआ नहीं था. अच्छा वो रिद्धिमा है दादी जी की गोदी में? वो करीना है. अच्छा. जो राज सर की गोद में? हाँ. Wow. ये पिक्चर बड़ी रेयर है यार. Wow. आगे लोलो है. That's Lolo, yeah. That's Lolo. पर अजीब सर आगे कौन है मैम? मिकी शमी अंकल का बेटा. ओके मिकी कपूर. व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर. यस. अच्छा आजकल जब से मोबाइल आए हैं लोग मोबाइल से खींचते हैं हमें वो फिर फोटोग्राफ्स कोई देखता भी नहीं जाके है ना. पहले कितना खूबसूरती एल्बम बनती थी, फिर चाय पीने जाते थे एक दूसरे के घर फोटोग्राफ्स देखने, कहीं निकाल के भी ले जाते थे अपनी. और भी ये है स्टारडम. देखिए आप रणबीर कपूर को मेकअप मैन रखा है. ये हमारा वोक की शूट थी आई थिंक, सो एवरीबॉडी वाज देयर. वाओ दैट्स यू मैम. मेरे पास कुछ जनता के सवाल हैं. यस. जो वो मेरे द्वारा पूछते हैं. yeah. मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं. बोलते हैं कि जब नीतू जी आए तो उनसे पूछना आप कि दोनों बच्चों में से कौन कैसा था. तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपने बताना है. रिद्धिमा और रणबीर में से स्कूल से कंप्लेंट किसकी ज्यादा आती थी? रणबीर. मतलब उसकी शैतानी होती थी. नॉट दैट ही वाज बैड पर्सन, शांत है, पर शैतान बहुत था. सो इतनी शैतानी करता था दैट एवरी ईयर वी कॉल्ड टू द स्कूल. फिर जब अमेरिका जा रहा था ऐसे, रणबीर ये 10,000 मील दूर है, अब मैं न्यूयॉर्क तो नहीं आ सकती, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए. ही वाज वेरी नॉटी. Very naughty. रिद्धिमा की कभी कंप्लेंट नहीं आई? रिद्धिमा was a saint. I was a saint. Wow. तो घर पे शरारती थी, स्कूल में है? हम लोग साथ में मस्ती करते थे, लेकिन अकेले में गट्स नहीं थे मस्ती करने के. I didn't want to take the blame. मतलब ये जब छोटी थी रोती भी नहीं थी. She was always a smiley baby, cute baby. और ऐसी कंप्लेंट कौन करता था कि मम्मी आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम करते हो? रणबीर ज्यादा पूछता था. नहीं, मैं तो मेरा सो व्हेन आई गॉट मैरिड आई बिकेम टोटली अ हाउसवाइफ, यू नो, और मेरे बच्चे मेरी वर्ल्ड हो गए. सो मैं रोज स्कूल जाऊँ इनको लेने के लिए, तो दोनों एक ही स्कूल में थे. सो रिद्धिमा यूज्ड टू लाइक मी इन जीन्स एंड यू नो डेनिम, द मॉडर्न मदर, एंड द मॉडर्न मदर, एंड रणबीर यूज्ड टू लाइक मी इन सलवार कमीज. अच्छा. सलवार कमीज. तो फिर मैं अभी क्या करूँ? तो फिर मैं एक दिन जाती थी जींस पहन के और एक दिन पहनती थी सलवार कमीज, दोनों में कुछ करती थी. वाओ. ओह माय गॉड. और खाने में नखरे किसके होते हैं कि ये मुझे नहीं खाना, मुझे मेरी मर्जी का ये चाहिए? रिद्धिमा ज्यादा नखरेली. नहीं, हम दोनों हैं मॉम. रणबीर इज वेरी पर्टिकुलर कि उसको आप दाल भी दो ना तो टेस्टी होनी चाहिए. ही इज वेरी सिंपल. अच्छा. सब्जी दाल भी दो तो ही विल ईट, बट दैट थिंग शुड बी टेस्टी. यानी कि तड़का मार के दे दी दाल. बाकी आजकल ना कैलोरीज काउंट करके खाते हैं. जैसे रिद्धिमा भी खाएंगी तो सारे दिन में 1200 कैलोरीज पूरे दिन में खाएंगी. हम लोग तो आज तक नहीं देखा आइसक्रीम खाते हुए. नहीं, आइसक्रीम चॉकलेट रोज खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट नहीं, हैविंग मीठा एवर एवर वी कंट्रोल, यू नो. कभी नहीं खाया रिद्धिमा? नहीं खाया है,
We eat. पठान ही है वो. सब खाते हैं, but moderation में. ये सुन के कपिल के पेट में दर्द हो रहा है कि control करते हैं लोग. नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे लड़कियां ना बड़ी calories count करती हैं कि मेरी आज हो गई 1500 और इससे ज़्यादा नहीं. हम तो 1500 calories की तो सौंफ खा जाते हैं खाने के बाद. I don't think calories कुछ होती है. आप normal खाना खाओ और exercise in moderation. ठूस ठूस के मत खाओ. हमें actually किसी ने बताया नहीं पंजाब में कि कितना खाना होता है. हाँ मम्मी मेरी इतना खाना खिला देती ना हमें. मैंने देखा है जो फिल्म स्टार्स होते हैं जैसे नीतू जी हैं, रिद्धिमा है, खाना खा के बड़े प्यार से उसके बाद नैपकिन यहाँ पे रख के और बाद में घंटों बातें भी करते हैं. हम लोग इतना खाना खा लेते हैं ना धीरे धीरे, फिर हमें वही नींद आ जाती है. कई बार तो हमें उठा के डालना पड़ता है बेड पे. ये बड़ी प्रॉब्लम होती है. पर ये चीज सीखने वाली रिद्धिमा, अब आप नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिलेंगी तो मैं 1.5 किलो कम आपको मिलूंगा. ज्यादा की मैं गारंटी नहीं लेता. अच्छा मुझे लगा कहते हैं यू आर गुड लिटिल बिट, ज्यादा तुम खराब ही हो. ये थोड़ा बहुत ट्वीक करना. मेरी किस्मत बड़ी खराब है. नहीं तो मैं जब सीजन शुरू होता है ना कोई नए शो का, तो मैं एक्चुअली सीजन खत्म होते होते फिट हो जाता हूँ. फिर क्योंकि पैसे आ रहे हो तो मोटिवेशन भी होती है कि चलो काम चल रहा है, जिम जाते हैं, ये वो. नहीं तो खर्चे बड़े चुभते हैं. बट आई ट्रूली फील आपने सीजन बंद नहीं करना. सीजन मत रखो, नॉन स्टॉप करो. अरे थैंक यू मैम, डेफिनेटली. So much weight. Yeah. Yeah. Oh my God. मम्मी सुना आपने? Oh my God. एक मिनट पहले मैम मुझे देखने दो. नीतू मैम, रिद्धिमा जी, रिद्धिमा जी, नीतू मैम, क्योंकि मैम पता नहीं चल रहा माँ कौन है बेटी कौन है. एक बार इनकी फिटनेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार. नीतू मैम मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ. मैं इंडियन आइडल में गई, आप उससे पहले निकल गई थी करके. मैं सुपर डांसर में गई, आप वहां से निकल गई थी. थैंक गॉड फाइनली आप हमारे शो में आए हैं. मेरे से बड़ी मेरी मम्मी आपकी फैन है. मम्मी ने कहा था जैसे ही नीतू मैम मिले उनको पहले टच करना. हाँ मम्मी सेम स्किन वैसी है जैसे आपने कहा था. बाल भी मम्मी वैसे ही हैं, बस इनके तेल नहीं लगा हुआ. मेरी मम्मी के सर पे इतना तेल लगा हुआ था कि रोटी बनाते वक्त इधर भी घस के दे देंगी ना आपको लगेगा घी लगा के दिया है. ओ गॉड भाई दोनों हीरोइनें कहाँ से बना ली भाई. मतलब इतनी फिटनेस, मतलब आप माँ बेटी एक सोफे पे बैठी. अर्चना मैम कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं. मैं घर में अपनी मम्मी के साथ सोफे पे बैठती हूँ ऐसे लगता है गद्दे तह लगा के रखे हुए हैं. ये सारा कसूर मेरी मम्मी का है. एक्चुअली पंजाबी मम्मियाँ भोली बड़ी होती हैं. उनको लगता है कि सारी उम्र बच्चों को और पति को ही खाना खिलाना है. वही हाल करके बेड़ा गर्क किया है मम्मी ने. सच्ची कह रही हूँ मैम, ये सारा ना मम्मी का कसूर है. मैंने कुछ दिनों पहले कहा कि मम्मी मैंने आज से नाश्ता नहीं करना, मैंने फिट होना है. गर्म तवा लेके आ गई, कहती नाश्ता नहीं करना, ये जो चार पराठे बनाए हैं ये खराब जाएंगे. मतलब पराठे नहीं खराब जाने चाहिए, बच्चा खराब हो जाएगा. मेरी शादी होगी मम्मी से दूर हूँ ना इसीलिए पतली हुई हूँ. मम्मी इतना खाना खिलाती थी. मतलब आपके घरों में फ्रिज होते हैं ना एक्स्ट्रा खाना रखने के लिए, हमारे घर में बच्चे होते हैं. सच्ची हमारे घर में दाल पच जाए बेटा घी डाल के दाल तड़का लगा दो पापा को दे दो, पराठे बच जाए घी लगा के पराठे गर्म कर दो. मतलब नीतू मैम हमारे घर में इतना घी, आप कभी हमारे घर में आ जाओ आप पहले जो बेल बजाएंगी ना उसमें घी लगा होगा, फिर जो दरवाजे का कुंडा खोलेंगी उसमें घी होगा, फिर रिमोट पकड़ेंगी उसमें घी होगा, टीवी की स्क्रीन में घी, शीशे में घी. इतना घी इतना मार्केट में नहीं है रिद्धिमा जितना हमारे घर में घी है. आप लोग का नाश्ता एवोकाडो और भी कई चीजें होती जिसके मुझे नाम भी नहीं आते है ना. हमारे घर में आके देखो कभी आप. आपको पता नीतू मैम 500 रुपए का एक एवोकाडो लेकर गई घर. एक हफ्ता मेरी मम्मी ने फ्रिज से नहीं निकाला. मैं कह मम्मी कदो कटना जे हो, कहते अमरूद तो कच्चा है अभी. मैं कह मम्मी वो अमरूद नहीं है एवोकाडो है. मैंने काट के अपनी माँ को खिलाया, फिटे वो तेरा एक तो सूखा ऊपर से फीका. मतलब पंजाबियों को हर चीज मीठी और ऑयली चाहिए. ये तेरे बहाने हैं भारती, तेरे हाथ में है ना खाना तू मत खाया कर. पाजी मेरे हाथ में होता तभी तो मेरे मुंह में चला जाता है. कोई रोक ही नहीं सकता. हम पंजाबियों को तो एक ही चीज पसंद आती है अर्चना मैम,
आलू के पराठे। मतलब आलू के पराठे देख के मुझे ऐसे लगता है मेरे रणवीर सिंह को देख लिया ऐसे। मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। तो दिमाग में मेरे को ऐसा लगा कि चलो पंजाबी घर पैदा हुई हूँ, अमृतसर में आलू खा खा के इतनी मोटी हो गई हूँ, शादी क्या पता थोड़े अच्छे घर में हो, फिट लड़का हो, ऐसा शादी भी गुजराती घर में हो गई। पहली बार ये सारे गुजराती। मैंने जिंदगी में पहली बार गुजरातियों के घर यानी कि अपने ससुराल में जाके चाय से भी पतली चीज देखी थी, खाखरा। इतना पतला खाखरा, मैं चाय के साथ 150 खाखरे खा गई फिर भी मुझे भूख लग गई। मतलब खाखरे से मोटा तो उसके ऊपर स्टिकर लिखा होता है जिसके ऊपर लिखा है ना खाखरा, वो मोटा होता है यार। तू आज घर जाएगी ना, आज देखना ससुराल वाले तेरे को क्या नहीं, बनाते नहीं, तेरे वो लिए। बहुत अच्छे हैं गुजराती लोग, बहुत अच्छे होते हैं। ये इतने गुजराती बैठे मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप मुंबई में नहीं भावनगर में शूट कर रहे हैं। फिर भी तूने काफी वेट कम कर लिया भारती अब तो। हाँ जी, मैंने बहुत कम किया है सच में। रितु मैम आप मुझे ना कभी शादी से पहले देखती, मैंने 3 नेकलेस पहने थे लेकिन एक ही दिख रहा था। मैं जब विदाई होके ससुराल गई ना, मैंने अपनी डबल चीन उठाई, 2 नेकलेस निकले। मेरी सास ने कहा ठीक है 3 बोले थे, 3 ही पहन के आई है। सच में। लेकिन मैंने देखा है रितु मैम आप बड़ा योगा वोगा करते हैं, बॉडी स्पा जाते हैं? क्योंकि कपिल पाजी जब ये लोग स्पा लेते होंगे ना तो इनके स्पा वाले बाहर निकलते होंगे तो पूरा फ्रेश होते होंगे। यस मैम, कैसा लगा स्पा? हम कभी स्पा कराने जाए ना तो हमारे स्पा वाले हमारे स्पा के बाद ऐसे निकलते, पानी देना कोई। भारती जी का स्पा किया है, पानी देना कोई, फिर उसके बाद उसका स्पा करना पड़ता है। सच में रितु मैम, मैं सच में काफी पतली होना चाहती थी लेकिन ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मुंबई आके मैंने देखा हर चीज में चेंज। यहाँ के बच्चे बहुत कम बोलते हैं। मैं कल अपनी फ्रेंड के घर गई, बच्चा कुछ दीवार पे कर रहा था, मेरी फ्रेंड ने कहा नो, बच्ची ने उसी वक्त पेंसिल नीचे रख दी, सॉरी मम्मा, और अपने कमरे में चला गया। कट्टू में अपने घर गई, मेरी बहन की बच्ची कुछ कर रही थी, मेरी बहन ने कहा नहीं, तू आगे से कहती क्या। हमारे बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? और मैंने शादियों में भी यहाँ पे देखा है कि बच्चा अपना सैलेड लेके बैठा होगा और मैं पूछती हूँ कि ये क्या खा रहा है, इसका स्टमक अपसेट हो जाता है ना, इसीलिए सिर्फ कैरेट खाता है। और हमारे पंजाबियों के बच्चे अगर प्लेट में थोड़ा खाना लेके बैठ जाए ना तो माए ऐसे हो जाती है, उधर हलवे का स्टॉल लगा, उधर जाके खा, जाके कोल्ड ड्रिंक पी क्या, पेस्ट्रियां भी खा, समोसे कौन खाएगा तेरा प्यो, जा। ऊपर से बच्चे को ऐसे पकड़ के कहती है सारा कुछ इधर ही ठूस ले, घर जाके अगर कहा ना भूख लगी मैंने नहीं खाना बनाना, बच्चा डर के मारे सारा कुछ ठूस लेता है। Oh my God। और मैंने यहाँ पर लेडीज भी नीतू मैम देखी है मुंबई में आके ना, बड़ी चीजें मुझे अच्छी लगी कि स्लो बोलती है, यू नो डार्लिंग हम तो गए थे स्विट्जरलैंड, ये भी थे साथ में, स्नो फॉल हो गई, हम लोग 10 डेज और रुक गए स्वीटहार्ट, हमको तो कोई फर्क नहीं, ये भी खुश हो गए। यही बात हमारी मम्मी का सुनो, हाय पाजी वैष्णो देवी गए थे, हमारा पैकी सारे होटल से पैक सारे कंबल गीले हो गए, पाजी बैठे रे तेरे प्यो ने क्लेश पाता होते हैं, मैं तो फिर घूमने डाल दे। इतना फास्ट बोलती है ऐसे लगता है कि दूध उबल जाएगा इनका, फटाफट बंद करके आए। ओ माय गॉड। लेकिन जो भी है हमारी मम्मियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, सच्ची बहुत पंजाबी मम्मियाँ, देखो सारी पंजाबी मम्मियाँ बैठी हूँ चेहरी। पंजाबी मॉम्स रॉक। यस पंजाबी मॉम्स रॉक। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी सीरियसली बहुत बड़ी फैन हूँ मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए। अर्चना जी, हमने एक बार नीतू मैम को एक किस्सा सुना था हमने कि रणबीर ने जब पहली सैलरी मिली, जब भी उसने कमाई की तो उन्होंने कुछ सरप्राइज मम्मी के लिए रखा था, और फिर जब रिद्धिमा के पास नीतू जी मिलने गई तो इन्होंने भी अपनी पार्ट टाइम सैलरी से जो कमाया था मम्मी को घुमाया लंदन। ये बड़े अच्छे मोमेंट्स होते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई ऐसा किस्सा हो पहली सैलरी का जो आपने कमाई की तो उसके साथ क्या किया, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी जी मैम। हेलो। हेलो सर, मेरा अक्षता नाइक, मेरा नाम अक्षय कुमार। अक्षता नाइक।
अक्षता नाइक जी, अक्षता बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। फर्स्ट सैलरी जब भी लगी थी मैं 8,000 मुझे बोला था सैलरी। अच्छा। और बाद में आई वॉज नॉट अवेयर कि वो पीएफ ईएसआईसी सब डिडक्शंस होते हैं उसमें। अच्छा। एब्सेंटिज्म ये सब आइडिया नहीं था वो टाइम। प्राइवेट जॉब थी कहीं? हाँ, एकदम फर्स्ट जॉब ही लगी थी जस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मैंने तो पहले सोच लिया था सैलरी आने से पहले कि मम्मी को ये देना है, डैड को ये देना है, मेरी फ्रेंड को कुछ देना है, खुद के लिए भी कुछ लेना है करके। पर जब सैलरी आई मुझे कट करके 5,000 कुछ मिला, एब्सेंटिज्म भी था, मेरे तो दिमाग सटक गया। मेरे बोला अरे क्या है, दिमाग सटक गया 3,000 रुपए में आपका दिमाग सटक जाता है? अरे मेरे तो कुछ कुछ आइडिया कर लिया था, मैं बोली ये सब पूरा हो गया। तो किसका गिफ्ट काटा सबसे पहले आपने? गिफ्ट तो किसी को लिया ही नहीं, मैं बोली पहले बॉस से ही बदला लेना है मुझे। बॉस से बदला? बदला कैसे लेना, नागिन बन के बॉस? तो मैंने सोचा अभी क्या करूँ, तो तभी सीक्रेट सांता भी था ऑफिस में, दिसंबर का महीना था। अच्छा। मेरे जो बॉस थे वो गंजे थे। अच्छा। तो मैंने बोला अब मुझे मौका मिला, तो सर मैंने उनको सीक्रेट सांता में गिफ्ट में नारियल का तेल और कंघी गिफ्ट पैक करके दे दिया। वाह, क्या इनोवेटिव आइडिया है आपका। पर अभी मुझे लगता है सर मैंने उनको ऐसे देना नहीं चाहिए था गिफ्ट। अच्छा। क्योंकि सर मेरे हस्बैंड। नमस्कार भाई साहब, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। तो आपको कभी गिफ्ट दिया मैडम ने? या, काफी देते रहते। अच्छा, तो आप कभी नहीं देते? देता हूँ सर। अच्छा, बड़े कट्टू कट है, देते रहते हैं। आप क्या करते हैं सर? सर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। अभी तो हस्बैंड कंपनी के डायरेक्टर है, तो अभी काम करती हैं आप? इधर इनके साथ ही हूँ। इन्हीं की कंपनी में? हाँ। सैलरी मिलती पूरी? हाँ मिलती है। काटते तो नहीं है वो 3,000 ऊपर वाला? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम, मेरा नाम प्रवीण सिंह है, इंडियन आर्मी से हूँ सर। अरे वाओ, कैसे आप? बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं ट्रेनिंग पीरियड का एक किस्सा बताना चाहूंगा सर। उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था सर, तो हमारी सैलरी 3 महीने करके लेट आती है सर। अच्छा जी। तो उस टाइम मेरी फियांसे का बर्थडे था सर, तो मैंने सोचा कि उनको एक गिफ्ट देता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने उनको एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की, थोड़ी कॉस्टली थी, तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को कहा कि मम्मी पापा को मत बताना, पापा थोड़ा कॉन्शियस है उन चीज़ों को लेके। अच्छा। पैसे खर्चा करता है। अच्छा। तो मम्मी ने नेक्स्ट डे पापा को बताया, पापा ने नेक्स्ट डे मुझे फोन किया क्लास लेने के लिए सुबह मॉर्निंग में। अच्छा। और मैं वहाँ ट्रेनिंग में था, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई सैलरी आ गई। मैं बोला हाँ पापा आ गई सैलरी, तो फिर हमारी भी एनिवर्सरी आ रही है, हमारे लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट है? मैं बोला पापा मैं नेक्स्ट महीने का करता हूँ पापा, अभी इसमें मेरा थोड़ा खर्चा है। बोला मुझे पता है तो तेरे कितनी रामायण चल रही है ना, मेरे को सारा चीज़ पता है, तेरे पैसे कहाँ गए, तेरी फर्स्ट सैलरी कहाँ गई है। तो उसके बाद मेरी फियांसे ने मेरे को नेक्स्ट 2 महीने बाद उन्होंने गिफ्ट दिया, मैं घर आया था, तो वो स्मार्ट वॉच उन्होंने भी मुझे रिटर्न किए थे, वो मेरे पापा ने अभी पहना हुआ है, पापा को वॉच पसंद आ गई। आपके पापा आए साथ में? यस सर, मेरे पापा हैं। आइए प्रभु। कैसे आप? तो मतलब पापा ने आपकी मम्मी को कभी गिफ्ट नहीं दिया कभी कोई? नहीं सर, देते रहते हैं, लेकिन मेरा मेरी फियांसे ने जो मुझे वॉच दिया था ना, वो वॉच पापा को पसंद आ गया, आज भी उन्होंने पहनी हुई है। अच्छा। और ये मेरी फियांसे हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी मदर है सर। नमस्कार जी, पूरी सब परिवार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर मैं नागालैंड में हूँ, मोकचंग में। अच्छा जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। नागालैंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जी? मैम। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी। मैं छाया। हाय छाया। हाय। तो एक ऐसा किस्सा है कि जस्ट एंगेजमेंट हुई थी, हस्बैंड कैसे है, नेचर कैसे है, कुछ भी नहीं पता। आपकी एंगेजमेंट हुई जब? हाँ। अच्छा जी। 35 years बिफोर। तो मैंने उनको गिफ्ट देना चाहा था, मैंने बोला चलो क्या दिया जाए, तो फिर मैंने एक सोचा कि एक म्यूजिक कैसेट दी जाए। अच्छा, तो उसमें हाँ। मैंने खास तौर से मैम के गाने थे उस समय के, के। और वो कैसेट मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट के तौर पे दी थी। अच्छा जी। तो फिर क्या बोले वो? वो तो बोले वाओ। और हमको पता चल गया कि म्यूजिक के लिए सेम नेचर है हम लोगों का, तो वहाँ पे हमारा नेचर मिलने लग गया है। वाओ, आए हैं आपके हस्बैंड साथ में? हाँ, मेरे हस्बैंड आए। एक कुर्सी छोड़ के क्यों बैठे हो अगर आपका इतना नेचर मिलता है तो? अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो इसलिए होता है कि मतलब आप किसी स्ट्रेंजर से अगर मिलते हैं तो उससे दूरी बनाए रखें। आप तो घर से एक साथ ही आए होंगे? हाँ जी। मतलब काफी सालों से साथ में ही है, तो आप साथ साथ बैठ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब, फिर आपको जब मैडम ने कैसेट दिया तो वहीं पे आप फिदा हो गए थे?
वो फिदा तो मैं पहले ही हो गया था। वो जो सोनी की जो ऑडियो कैसेट होती थी ना, 35 साल हो गए वो अब तक मैंने संभाल के रखे। आपके चरण कहाँ हैं? क्या बात है यार। और अगर आप कहें तो उसमें से एक गाने की दो पंक्तियां भी सुनाई जरूर दे जरूर सर, सुनाइए प्लीज। आपका ही गाना है मैम सर। ये एक बात मुझे क्लियर कर दो, सुना किस कर रहे हो आज? बीवी के लिए गा रहे हो कि आज नीतू जी के लिए गा रहे हो? जी सर प्लीज। थैंक यू सर, आप दोनों इतने प्यारे हैं और किस्सा भी आपने इतना प्यारा सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। लवली। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते कपिल सर, माई सेल्फ कपिल टू। हाँ जी। मेरा नाम भी सर कपिल ही है। कैसे? हाँ हो सकता है सर, मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने अपना पहला गिफ्ट किसे दिया था। दारू पी के दे दिया होगा किसी को। बट मुझे जो पहला गिफ्ट मिला था हाँ, वो मुझे आज भी अपने जेहन में याद है। मुझे एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने एक घर बनाकर गिफ्ट किया था। घर बना के? जी हाँ जी हाँ। मैं उसके साथ, नॉट असली वाला सर, वो एक छोटा सा घर। जी जी, वो जो लकड़ी का ऐसा। हाँ लकड़ी। आपने पूछा नहीं मैं कबूतर हूँ? आपके जैसा सिर्फ नाम है मेरा सर, मैं आपके इतना फनी नहीं हूँ सर। नहीं तो मेरा भी तो नाम कपिल देव जी के देख के रखा गया, मैं कौन सा क्रिकेट खेलता हूँ। तो फिर उसके साथ घर तो नहीं बना पाया, बट मुझे आज भी वो गिफ्ट याद है कि मुझे किसी ने वो गिफ्ट दिया था, वो आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है सर। तो अब आपकी शादी हो गई होगी? जी हाँ मेरी शादी हो गई है। तो ये बात आपकी वाइफ भी सुनेंगी? राइट ईयर एंड सुन ली। चलिए ईश्वर आपकी रक्षा करे, हम क्या कह सकते हैं। मैडम को जरा देना। मैडम कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते अभी भी मेरे को याद है पहले वाली। वो उनका पास्ट था, मैं उनका प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। आपको इन्होंने गिफ्ट दिया पहला, आपको याद है? हाँ याद है। देखा बीवियाँ, ये बड़ी प्यारी बात मुझे लगती है लेडीज की, उनको याद होता है। कहते मेरे को याद नहीं है मैंने किसको क्या दिया था, मेरे को मिला जो याद है। तो आज उन्होंने उनका नाम लिया, फिर कैसे आज कोहनी पे मारेंगी आज? नहीं नहीं। अच्छा कितनी प्यारी बीवी मिली है आपको, वो यहाँ पे तो बोल रही है पता नहीं घर जा क्या करेंगे, आई डोंट नो। चलिए सच बोल रही। अर्चना जी होती ना यहीं पे हाथ मरो, क्या बोल रहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हे क्या हंसी टटोला लगा के रखा है आप लोगों ने? आई आई, ये तो सब बच्चे हैं, लेकिन अर्चना जी आप तो बुजुर्ग हैं, आई मीन बड़ी हैं। यहाँ बगल में हम केबीसी की शूटिंग कर रहे हैं। ओ सॉरी। एक कंटेस्टेंट से मैंने पहला सवाल पूछा हजार रुपए के लिए। अच्छा। इनकी हंसी की आवाज सुनकर वो सर के बल गिर गया। बल्कि हमारा ऊपर से 5,000 रुपया खर्चा हुआ उसको ठीक करने में। सॉरी अमित जी, सॉरी। हमारे गुरुकुल के 3 नियम हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन मैं, अरे भाई कपिल जी आपने बताया नहीं कि नीतू जी और नमस्कार। So nice to see you after a very long time. That's different that I can't see you, but it's so nice to see you. इतने दिनों के बाद। अब कहाँ गई आपकी वो परंपरा प्रतिष्ठा और वो? प्रतिष्ठा गई तेल लेने और परंपरा गई बेसन लेने। मिलके हम पकोड़े बनाएंगे क्योंकि नीतू जी को पकोड़े बहुत पसंद आए। Am I right? So so wonderful. So amazing. हम अपना बैकग्राउंड खुद ही रखते हैं साथ में। So wonderful. I'm seeing you after such a long time. Yes, yes. कितने दिनों के बाद? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 दिनों के बाद कम से कम। मैं आपको देख रहा हूं और आप तो जानती हैं कि मैं बिजी बहुत रहता हूं, है ना? सूर्यवंशम की रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं। आ,
और केबीसी यू नो इट्स डैम बिजी स्केड्यूल. पर आप तो नकली बच्चन है ना. नकली हो या असली क्या फर्क पड़ता है. आते तो दोनों सोनी टीवी पर है ना. सही बोला. और जब सोनी टीवी असली और नकली में कोई भेदभाव नहीं करता, नहीं करता, तो फिर आप क्यों करते हैं कपिल शर्मा जी. आप क्यों करते हैं. कितने दिनों के बाद आई. ये क्या कर रहे हैं. किससे बातें कर रहे हैं. मैं तन्हाई से बातें कर रहा हूँ. तन्हाई. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करता है. तन्हाई काफी बड़ी हो गई है. कम कम भाई इधर बात. आई नहीं नहीं इधर नहीं नहीं इधर नहीं आए इधर इधर आए आए मैं बात कर लूं. और नीतू जी ये बताइए क्या लेंगे आप. बस दिल. दिल क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप नीतू जी से. जब आप जीतू जी से ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम नीतू जी से वैसी बातें क्यों नहीं कर सकते. बचपन साहब एक बात बताइए यहाँ पे कैसे आना हुआ. आप क्या करने आए. पटले से बातें क्यों कर रहे हो. मैं पटली सी बातें करने के लिए यहाँ पर आया हूँ. आपने शमिताब. Have you seen the film शमिताब. What a wonderful film. Amazing. Amazing. कमाल की पिक्चर थी. आपने हमारी वो भी फिल्म देखी होगी ब्लैक. Yes. ब्लैक देखी है. Yes. और आपने पिंक भी देखी होगी. uh-huh. आज मैं आपको पर्पल दिखाऊंगा. ये देखिए. ए था हमारा कलरफुल हास्य विनोद सोतर तलिया हो जाए. अमेजिंग. यू नो कुछ ही दिन पहले की बात है. आई सॉ योर पिक्चर. फैंटास्टिक. आपने ब्लू कलर का कोई ड्रेस पहना था. हाँ. वो जो पिक्चर थी वो पिक्चर मेरे मन को छू गए. ओह माय गॉड. नो 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 अपनी मर्यादा में रहो. हाँ या रिद्धिमा जी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो बच्चन का बचपन समझ के उसे माफ कर दीजिए. मैं बहुत दिनों के बाद नीतू जी को देख रहा हूं तो थोड़ा सा भावुक हो गया. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया. बचपन साहब आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को. हाँ तो जो आपके मेहमान हमें परेशान कर रहे हैं उसका क्या. क्या हुआ आपको. क्या परेशान किया. कुछ कुछ होता है अंजलि. तुम नहीं समझोगे. नीतू जी हमने वो फिल्म की थी साथ में याराना. व्हाट अ वंडरफुल फिल्म. एब्सोल्युटली. और जो गाना किया था हमने. मैं वो जो स्टेप्स हैं वो कभी कभार भूल जाता हूँ. तो क्या आप. नहीं नहीं आप उन्हें परेशान ना करें प्लीज. आज खुश तो बहुत होंगे. आज तक आपके शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ा. वो आज यहाँ पर बाहें फैलाकर सिर्फ एक स्टेप ही तो मांग रहा है. नीतू जी नाम मत कहिएगा. मैं चलता हूं. मैं जैकी श्रॉफ क्यों आ गया. मैं चलता हूं. आपका बहुत बड़ा फैन हूं. लंच पे मुलाकात करेंगे फिर से. रिद्धिमा वंडरफुल सीइंग यू. वंडरफुल टू सी यू टू. आई कांट सी यू बट वंडरफुल सीइंग यू. सी यू. ओह माय गॉड. वाओ थैंक यू सो मच नीतू मैम. इतना ब्यूटीफुल डांस मोमेंट. तो एक बार जोरदार तालियां नीतू जी के लिए और रिद्धिमा के लिए. मैम आइए प्लीज. नीतू मैम आपसे जब भी मुलाकात होती है
हमेशा वो एक एक मोमेंट, एक एक पल हमें याद रहता है. पिछली बार भी जब आप आई थी और इस बार भी इतना मजा आया. इस बार आप रिद्धिमा के साथ आई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू कपिल. और इतना मजा आया एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी मजा आया. दिस इज वेरी स्पेशल बिकॉज मेरी बेटी पहली बार आई है. सो आई रियली फील सो नाइस. मुझे तो बहुत मजा आया आज. थैंक यू रिद्धिमा. थैंक यू. और दोस्तों लाफ्टर का डोज लेके हम आते रहेंगे. आप वैक्सीन का डोज लेके खुद को सुरक्षित रखिए. आप स्वस्थ रहें. गुड नाइट. शुभ खैर. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.